तो कैसे हो मेरे भाइयों और मेरी चाहने वालियों। तो आज की जो वीडियो है ना, ऐसी वीडियो आज तक मैंने कभी नहीं बनाई है, बिल्कुल न्यू ट्रिक है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपने जीबी वर्सा का बैकअप जीबी वर्सा के अंदर कैसे ट्रांसफर करना है, वो भी ओल्ड फोन से न्यू फोन के अंदर। तो जितना भी मेरे ओल्ड फोन का बैकअप है, चैट है, जो भी कुछ है, मीडिया वगैरह, वो कैसे ट्रांसफर करना है आपको ओल्ड फोन से इस न्यू फोन के अंदर। तो देखो, ऐसी वीडियो आज तक मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है। हाँ, बनाई है, उसके अंदर आपको मैंने ये बताया कि आपको ऐसे फाइल ट्रांसफर करने हैं, फिर आपको जे ऐप डाउनलोड करना है। बट जो आज की वीडियो है, इसके अंदर मैं कोई भी फाइल को ट्रांसफर नहीं करूंगा, कोई भी आपको जी नहीं बताऊंगा कि आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। सिंपल आपको बस जी वर्सा को ओपन करना है, सिर्फ एक क्लिक करना है और आपको बस देखना है। क्या देखना है कि आपका जो बैकअप है जहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, बस आपको बैठ कर बस देखना ही है। तो देखो, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलो सीधे मेन टॉपिक के अंदर। बट आपको पहले से मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है। और एक बात पहले ये बता दूं कि देखो, चैट तो आपकी ट्रांसफर होगी होगी और साथ में मीडिया भी ट्रांसफर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई हमसे पार्ट मिस हो जाए, फिर आपको पता बाद में परेशानी होती है। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको वैसा ही करना है, ठीक है। बाद में करो, पहले करो, साथ में करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो, अब करते हैं स्टार्ट मेन टॉपिक को। जैसे अभी मेरे पास ओल्ड फोन है, ठीक है, चैट वगैरह आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो पता नहीं कितने जीबी का डाटा हो, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं टॉप के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है चैट्स के ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर चैट बैकअप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर चैट बैकअप पूरा अच्छे से देखना, ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर चैट बैकअप मेरा स्टार्ट हो चुका है, जब तक होता है तब तक आपको बता देता हूँ कि आपको अपने न्यू फोन के अंदर जीबी वर्सा को भी इंस्टॉल करके रखना है। बट आपको उसको ओपन नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर इंस्टॉल ही करना है, नंबर आपको बाद में ही भरना है। तो देखो, यहाँ पर देखो, मैं जीबी वर्सा को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, आपको भी इंस्टॉल कर लेना, बट ओपन अभी नहीं करना, ठीक है, बस इंस्टॉल ही करना है सिंपली। ये मेरा न्यू फोन, तो अभी देखो ओल्ड फोन में देखो अभी बैकअप बन रहा है। तो यहाँ पर देखो, जो मैं डाटा है एक तरफ से हो चुका है। उसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको फिर से ऊपर क्लिक करना है, देन आपको जीबी सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यूनिवर्सल, देन बैकअप एंड रिस्टोर, और जहाँ से आपको पहले बैक के ऊपर क्लिक करना है बैकअप व्हाट्सएप डाटा। तो जहाँ पर अभी जो मैं डाटा देखो क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरा डाटा बच जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि आपको फाइल मैनेजर में जाकर फाइल को ट्रांसफर करना है, ऐप डाउनलोड करो या क्लियर कैच करो, क्लियर डाटा का कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ आप जो भी काम होगा इस जीबी वर्सा के अंदर ही होगा। यहाँ पर देखो मेरा बैकअप हो चुका है। उसके बाद आपको अपने न्यू फोन के अंदर जीबी वर्सा को यहाँ से बस ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अलो के ऊपर क्लिक कर लेना है, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने ओल्ड फोन से बैक करना है। बैक आने के बाद आपको पहले तो जहाँ पर जो मेरा कोड एंटर करना है, ठीक है, उसके बाद टॉप के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, देन आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है चैट्स को, नीचे देखने को मिलेगा आपको ट्रांसफर चैट्स, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। देन आपको यहाँ पर स्टार के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर स्टार्स के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर मैं स्टार के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर जो भी परमिशन देनी है, आप परमिशन दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं ओनली दिस टाइम की परमिशन दे देता हूँ, जहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। लोकेशन मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं लोकेशन को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद फिर से अपन जो फिंगरप्रिंट है वो एंटर करते हैं, देन कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। लोकेशन तो वैसे मेरी वही है, तो यहाँ पर आप सब पढ़ सकते हो, जहाँ पर लिखा है डाउनलोड व्हाट्सएप ऑन योर न्यू फोन रजिस्टर विद द सेम फोन नंबर। तो क्या करना है, आपको अपने न्यू फोन के अंदर जहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री या कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन अपना फोन नंबर एंटर करना है, यही वाला, कोई और मत एंटर कर देना। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, कनेक्टिंग जहाँ पर हो रही है लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वेरीफाई अनदर वे, आपकी मर्जी है, कुछ भी जहाँ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई अनदर वे के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, सेंड SMS के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, देन अलो के ऊपर क्लिक करती हैं, और मेरे फ़ोन के ऊपर OTP आएगा। तो यहाँ पर देखो मेरा OTP एंटर हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर चैट हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड फोन, तो जहाँ से मैं कंटिन्यू करके सारा बैकअप ले लूँगा। बट पहले मैं एक बार ना फोटो ले लेता हूँ, ताकि थंबनेल मेरा अच्छा सा बन जाएगा। ये तो जहाँ पर देखो मैं थंबनेल वगैरह अपना ले लिया, एक बार आपको मैं फोकस कर देता हूँ यार, ठीक है। उसके बाद जहाँ से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर ओनली दिस टाइम कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ओनली दिस टाइम। यहाँ पर स्कैनर आ चुका है, उसके बाद स्कैनर आ चुका है, और जहाँ से इसको मैं स्कैनिंग कर लेता हूँ, ठीक है, स्कैनिंग करते हैं। स्कैन हो चुका है, तो जहाँ पर देखो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो जहाँ पर आपके बिल्कुल सामने है मेरा जो डाटा, जहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है मेरा ओल्ड फोन से न्यू फोन के अंदर, ठीक है, जहाँ से मैं
एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। पेपर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, तो देखना अभी जो मेरा देखो आपके बिल्कुल सामने है जो मेरा ओल्ड फोन का बैकअप है, ये रहा मेरा ओल्ड फोन, ये मेरा ओल्ड फोन इधर करता हूँ इसको पहले, तो मैं ओल्ड फोन सारा बैकअप देखो ट्रांसफर हो रहा है जहाँ से प्रिपेयरिंग हो रही है पूरी। तो आपके बिल्कुल सामने अभी देखो प्रिपेयर हो रहा है ओल्ड फोन का, 43% हो चुका है वेटिंग फॉर ओल्ड फोन आपके बिल्कुल सामने है। मैंने कोई भी देखो वायर ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐप को मैं डाउनलोड किया आपके बिल्कुल सामने, ठीक है जो भी कर रहा हूँ। तो देखते हैं कब तक जो होता है, अभी तो जहाँ पर रिसीविंग 0% दिखा रहा है, 1% हो चुका है, तो अभी तो काफ़ी सामने है, अभी 2% हुआ है। तो जब 100% होने लगेगा तो आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा अगर 100% तक करूंगा, तो तब तक हम वीडियो को पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अभी है मेरा जो ओल्ड फोन का बैकअप है वो 97% हो चुका है, और यहाँ पर 48% हो चुका है, तो लगभग हो जाएगा। तो यहाँ पर डन हो चुका है, तो यहाँ पर कंप्लीट सेटअप न्यू फोन, गो टू योर न्यू फोन कंप्लीट सेटअप। तो अभी यहाँ पर 50% हुआ है, तो इसको हम पूरा होने देते हैं। तो यहाँ पर मैं पोस्ट कर लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पर अभी 50% है, इसको थोड़ा सा होने देते हैं अब। तो यहाँ पर भी देखो 95% हो चुका है, बस 96 हो चुका है, बस 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख के आ चुका है ट्रांसफर कंप्लीटेड, जो आपका बैकअप ट्रांसफर हो चुका है न्यू फोन के अंदर। जहाँ से नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है अगर देखते क्या पूछता है, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर फोटो देखो मेरी आ चुकी है, उसके बाद लो के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन नेम जो भी है चलो नेम अपने रख लेता हूँ मैं, ठीक है जहाँ पर नेम अपना एंटर कर लेता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके वजह से मैं अलो के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है ना। जहाँ पर जो भी परमिशन मांगता है परमिशन चलो बाद में देंगे, क्योंकि मैं मुझे अभी इसमें बैकअप ट्रांसफर करने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बिल्कुल सामने है जो भी मेरे मैसेज है, सारे मैसेज देखो चैट वगैरह ट्रांसफर हो चुकी है। भाई चेक करते हैं कि मेरे भी ट्रांसफर हुआ या नहीं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं, नंबर क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये न्यू फोन है, ठीक है। न्यू फोन के अंदर देखो मैं नंबर सेव नहीं करे हैं इसीलिए। बाकी हम चेक करते हैं कि फोटो क्या मीडिया भी ट्रांसफर हुआ है। तो जहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्ट ओपन करता हूँ, वैसे चेयर तो यहाँ पर देखो सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है, बाकी मीडिया भी यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है बिल्कुल सामने देखो, जहाँ पर मीडिया भी ट्रांसफर हो चुका है, सारा मीडिया जहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। बाकी जो वीडियो वगैरह है उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, मीडिया देखो आपके सामने बिल्कुल ट्रांसफर हो चुका है। तो बस आज की वीडियो में यही था, ठीक है। आपको मैंने करके बता दिया कि आपको अपने ओल्ड फोन से न्यू फोन के अंदर बैकअप ट्रांसफर कैसे करना है, बिल्कुल न्यू ट्रिक है, कोई भी मुश्किल काम नहीं, सिर्फ एक क्लिक आपको करना, बस फिर आपको बैठ कर देखना ही है कि कैसे हो रहा है। बाकी चेक करती हैं कि ओल्ड फोन के अंदर क्या हो रहा है, तो बैक करती हैं, तो ओल्ड फोन के अंदर जो मेरा जी व्हाट्सएप है वो बंद हो चुका है, क्योंकि अभी सिर्फ एक जगह चलेगा। तो न्यू फोन देखो मैंने आपको बता दिया कि बैकअप ट्रांसफर कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और कोई भी आपको परेशानी आती है नीचे कमेंट बॉक्स से आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मुझे इंस्टा के ऊपर DM भी कर लेना अगर काम करवाना हो। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हो कोई और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।